भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। वार्डों में विधायक देवेंद्र यादव विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनके घरों में जाकर उनका कुशलक्षेम भी पूछ रहे हैं। इसमें विधायक देवेंद्र यादव को हर वार्ड में बड़े बुजुर्गों, माताओं और बहनों का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन भी मिल रहा है। लोग खुद अपने घरों से निकल कर देवेंद्र यादव को समर्थन देते देखे जा रहे हैं। गौरतलब है कि भिलाई नगर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का सघन जनसंपर्क लगातार जारी है। विश्वास यात्रा लेकर देवेंद्र यादव का खेमा जहां जहां पहुंच रहा है, वहां वहां पर लोगों का भरपूर समर्थन, सहयोग और प्यार उन्हें मिल रहा है। बता दें, इस दौरान प्रत्याशी देवेंद्र यादव लगातार लोगों से मिल रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं, साथ ही उनकी समस्याओं से भी रूबरू हो रहे हैं। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। देखिए, लगातार लोगों के बीच में हम लोग पिछले 5 साल से सक्रिय थे और छोटी बड़ी हर एक विषय को हम कुर्सी पार की जनता की जानते हैं और सीधा संवाद है जनता से। माताएं, बहनें, वरिष्ठ जन बहुत उत्साह है। इस बार भारतीय जनता पार्टी भिलाई में काफ़ी तकलीफ में है, क्योंकि उनका चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नहीं है, जनता से है, जनता लड़ रही है चुनाव। अब देखिए, ऐसा है कि उन्होंने जनता की कभी सुध ली नहीं है पिछले 34 साल में, इसलिए उनको जनता से जुड़ी हुई भावनाओं को वो जानते पहचानते नहीं है। जनता उनको जवाब देगी इसका। ये तो देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास आप कुछ बचा नहीं है, तो ईडी के भरोसे वो पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं, सीबीआई के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अफवाहों के बाजार से फैलाने से कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोगों ने शहर के आम जन के साथ मिलकर काम किया है, जनता समझती है, जनता जानती है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाहों के अलावा, ईडी के दबाव के अलावा कुछ कर पाएंगे क्या? बहरहाल, विधायक देवेंद्र यादव की विश्वास यात्रा जहाँ जहाँ गुजर रही है, वहाँ वहाँ लोगों का अपार स्नेह, प्यार और सहयोग और जमकर समर्थन उन्हें मिल रहा है। अरे मेरे भाई, क्या सो घूम रहा तू भी? तू कब से आया? मैं देखा नहीं था। जस्ट अभी यहीं से आया, यहीं से समझ गया। भैया, देखो तेरे को चोरी भी हो चुकी है। ठीक है, चल। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।